संजय झा जी, इस समय जब हम बात कर रहे हैं 10,000 से ज्यादा मामले इस देश में हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जिस दिन पहला लॉकडाउन अनाउंस किया था उस दिन 519 मामले थे। आज जब वो दोबारा सामने आए दूसरे लॉकडाउन के बारे में बोलने, तो 20 गुना मामले संजय जी बढ़ चुके हैं। क्या हम लोग तैयार हैं आने वाली स्थिति को काबू में करने के लिए? जैसे प्रताप जी कह रहे हैं हमने घेर लिया है, क्या वाकई घेर पाए हम लोग? नहीं, जो दिखता है बिल्कुल, क्योंकि जो एक डेटा आया था कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये संख्या 8 लाख 8.5 लाख जाती है। बड़ा ही रिलायबल डेटा था जो हम लोग देख रहे थे, और एक बार 8.5 लाख जाता तो, और वो जो कहा जाता है कि कम्युनिटी में स्प्रेड कर जाता, तो जो हेल्थ फैसिलिटी वाले जो बड़े कंट्री हैं वो भी नहीं संभाल पाए तो बहुत डिफिकल्ट होता। मैं तो पिछली बार भी आपके यहां बोला था कि बिहार से बड़ा एग्जाम्पल दूसरा देश में नहीं है, कि बिहार में जितना पॉपुलेशन है और जितने माइग्रेंट्स बाहर से आए थे उसमें आज संख्या हमारी टोटल 66 है और 28 लोग ठीक होकर के भी चले गए। नेपाल से ओपन बॉर्डर है, अभी सील किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग वहां से आते हैं। इसका मतलब इसका इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है। अगर भारत सरकार, प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री, ये सारे लोग टाइमली एक्शन नहीं लेते तो स्थिति बहुत ही विचित्र हो जाती। और इस टाइमली एक्शन का अब तो कर्व नीचे जाने की स्थिति हो गई है डेफिनेटली 20 तारीख के बाद, क्योंकि पिछले 24 घंटों में कोई यहां भी कोई नहीं आया है नया मैटर। और मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जो एक हमारे यहां 3-4 जगह है जो हॉटस्पॉट आप कहते हैं, वो हॉटस्पॉट तो रहा नहीं क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोई मैटर आया नहीं। और सिवान में जिस आदमी ने 20-22 लोगों को इन्फेक्ट किया, अब वो आदमी खुद ठीक होकर के चले गए जिन्होंने इन्फेक्ट किया था, गल्फ से आए हुए थे। तो इसका मतलब चीजें ट्रैक पे है, चीजें सुधर रही है। हाँ, एक समस्या जरूर है कि जो डेली वर्कर है उनके लिए हमारे यहां, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आया है, वो एक समस्या है, उसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। जो मैं बोल रहा था कि राइडर के साथ करना चाहिए, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी को देखना चाहिए। जो हमारे यहां एक बड़ा एरिया फ्लड में आ जाता है नॉर्थ बिहार का, मई 15-20 मई के बाद, वो सारा काम रुका पड़ा है, वो कैसे होगा? तो कुछ चैलेंजेज है, होपफुली 20 के बाद स्थिति बदलनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने कहा है तो बिहार में मुझे नहीं दिखता है कि 20 तारीख के आसपास कोई हॉटस्पॉट इमर्ज करके आएगा, जैसा यहाँ पे सरकार जिस हिसाब से काम कर ठीक है। साधु सिंह जी, असलम शेख महाराष्ट्र से आ गए हमारे साथ, वो भी मंत्री हैं महाराष्ट्र की सरकार में, उनके पास चलेंगे। उसके पहले साधु सिंह जी, आप कैप्टन अमरिंदर ने चौंका दिया सबको, बल्कि डरा दिया ये कहकर कि स्टेज 3 में तो आ चुका है मामला, कम्युनिटी ट्रांसफर होने लगा है अब पंजाब में। तो उस स्थिति में पंजाब की सरकार क्या इमरजेंसी लेवल पे अब काम कर रही है या अभी भी इंतजार कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि कैप्टन अमरिंदर में पूरे देश में जब ये कोरोना का केस आया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे पहले फिक्रमंद थे। उन्होंने पहले लॉकडाउन किया, उसके बाद जब नई कुछ स्थिति लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे तो मजबूरन कर्फ्यू लगाना पड़ा। पहले 2-3 दिन तक लोगों ने कहा कर्फ्यू को लगाया, उसके बाद आज पूरी दुनिया कह रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कदम बहुत अच्छा कदम था, ये होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे पंजाब के हर घड़ी घड़ी पे ध्यान रख रहे हैं कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, तहसील में क्या हो रहा है, एक एक रिपोर्ट ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो कर्फ्यू हमने लगाया है सरकार ने उससे बहुत फर्क पड़ा है। अगर ये कर्फ्यू ना लगता तो लोग इतने, पंजाब के लोग तो इतने गल लग के मिलते हैं, ऐसे खुशियां मनाते हैं, इसका रिजल्ट बहुत मारू होता अगर ये कर्फ्यू ना। फसल कैसे कटेगी? फसल कटेगी, हमने पास अनाउंस किए हैं, जैसे एक खेत में 10 लोग काम करते हैं 3 लोग काम करेंगे, दूर दूर रहेंगे, और कंबाइन जाएगी, कंबाइन एक ड्राइवर होगा, एक और होंगे जो कटाई की फसल की जो अनाज है एक साथ रखा जाएगा। मजदूर तो है नहीं मंडी में जी। ले जाकर के मंडी में उनका खरीदना सरकार की जिम्मेदारी है, एक एक दाना गेहूं का उनका खरीदना है। जहां 300 मंडियां थी वहां 600 मंडियां, साधु सिंह, जहां लोग 10
एक दुकानदार पे एक आरपीए पे 10 लोग रहते थे, वहां 2 लोग आएंगे, भले 10 दिन का काम 30 दिन में हो, सुरक्षित होगा, सही ढंग से होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।